सो हे गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं विदित गुजराती के बारे में। तो कल जो है इनके चैनल पर समय रायना, युजवेंद्र चहल एंड और भी बहुत सारे लोग जो है लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो वहीं पर जो युजवेंद्र चहल समय रायना के फोन नंबर को लीक कर देते हैं। युजवेंद्र चहल जो ऐसे एक सेकंड के लिए उनका नंबर दिखा देते हैं फोन ऐसे करके, एंड वो बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ कहते हैं कि समय रायना को जो है कोई भी कॉल्स वगैरह नहीं जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। समय रायना अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट किया, जैसे कि आप देख सकते हो, जहां पर आप देख सकते हो कितने सारे कॉल्स गए समय रायना को। फिर उसके बाद जो है समय रायना युजवेंद्र चहल लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम पर, आप खुद देखिए और लाइव वीडियो का छोटा सा क्लिप। क्या क्या किया यार युजी भाई, क्या किया यार? मैंने कुछ नहीं किया। और जनता भी कितनी हरामजादी है भाई, आपने ऐसा एक एक सेकंड के लिए से दिखाया, जनता YouTube पे वीडियो बना रही है, समय रहना नंबर लिंक्ड थंबनेल बना रही है जनता। मेरा एडिटर नहीं बना पाता इतनी जल्दी थंबनेल। नो कमेंट्स। गलत किया युजी भाई आपने, सॉरी यार। अब मैं आपको खुलेआम मैं चैलेंज करता हूं युजी भाई, खुलेआम मैं आपको चैलेंज करता हूं, बेस्ट ऑफ 5 चेस मैच, और अगर आप हारे मेरे से तो मैं आपके दोनों नंबर लीक कर दूंगा, ठीक है? चैलेंज एक तो वैसे ही लीक है। चैलेंज भाई, चैलेंज, डू यू एक्सेप्ट? डन 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 है भाई, डन है युजी भाई। तो इससे पहले आगे की न्यूज कवर करूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, एंड हाँ बेल आइकन जरूर दबाना, नहीं तो फिर आपको नोटिफिकेशन जी नहीं मिलेंगे मेरे वीडियोस का। एंड बेल आइकन वो लोग भी दबाना जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, आमिर सिद्दीकी के बारे में। तो आमिर सिद्दीकी का जो है किरण राय के साथ एक इंटरव्यू आउट हुआ है, तो वहां पर वो काफी सारी चीजों के ऊपर बात किए, मेनली वो बात किए टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के ऊपर, वो बात किए लक्ष्य चौधरी के ऊपर, एल्विस यादव के ऊपर, वो बात किए कैरी मिनाटी के ऊपर। अब मैं सब कुछ तो नहीं दिखा सकता, मैं उस इंटरव्यू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। लेकिन उस इंटरव्यू का मैं छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखा देता हूं, जहां पर आमिर सिद्दीकी की बात करते हैं, उनका जो ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ था, जहां पर वो कैरी मिनाटी को जो है अब्यूज कर रहे थे एंड उनके मॉम को अब्यूज कर रहे थे, तो उसके ऊपर आमिर सिद्दीकी की बात किया। एंड ऑल्सो वो बात किया कि क्या अगर उनको मौका मिलता है कैरी मिनाटी के साथ कोलैब करने का तो वो करेंगे कि नहीं, आप खुद देखिए वो क्या कहे। एंड लेटर माय फ्रेंड्स दे व्हाट दे डिड वाज आई हैड अ पर्टिकुलर ऑडियो वेयर आई वाज अब्यूजिंग कैरी मिनाटी एंड दैट वाज अ व्हाट्सएप ऑडियो, माय पर्सनल व्हाट्सएप ऑडियो। What did you say? I said shit, all that shit. I was abusing him because of that video. I got angry and I was abusing him on Mada and everything, all that stuff. Did you curse his mom? Is that right? You cursed his mom? Yes. I did. Do you think that was... So it was like when a person, he himself, he's cursing everybody on social media. And if I said something, which was my WhatsApp audio from a group, so it's like hypocrisy. Even he's abusing, even I'm abusing. It's equal. Abuse. But people took it in a different way. And I accepted it that I was abusing him. I accepted it. If I'm wrong, I'm wrong. Yes, I am wrong. I said sorry for it. But it went in a different way. And people thought I have deleted that video. I've abused his parents. So I'm the negative person. People thought that way. That he is a negative person. But I never wanted these things to happen. But do you feel like... when you abused his mother, because that is a big thing. That is a big thing, Amir. Like, to me, if someone abused my mother, I'd be very hurt. Now... I was sorry for it. But, you know, that audio, it was not a complete audio. People have edited that audio. I said something else before that audio. But they never got that part viral. They just got the word, what I said for him. So, I never got a chance to apologize to him. But on social media, I did say so. I said sorry for everything. And abusing someone is wrong. And I was wrong. And I said it on social media that I'm sorry for this particular audio. Every day, I do get messages from people where they are saying, we want you to see Carrie Minati and Amir walking together. Would you ever be interested in sitting down, having dinner with Carrie Minati and sitting down and sitting with him and discussing, maybe settling the beef and saying, look, enough is enough now? So, if it's so, I would love to. And I would like to clear all these things from... like, it's a thing. It happened. You don't have to stick on it. You just have to move on. And if he would, I would love to. So, what's your message to Carrie Minaty right now? If you had to tell him, what message would you like to tell Carrie today? All I would tell him is, next time, please don't dare roast me. It's just a joke. I would love to see him on Heights.
He's doing great. तो चलिए अब अगले अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, छू छू टीवी नर्सरी राइम्स एंड किड्स सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल के बारे में। आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन छू छू टीवी है या चू चू टीवी, मुझे पता नहीं है, बट इस चैनल के साथ मजाक नहीं, इस चैनल ने जो है एक दिन में 10.8 मिलियन सब्सक्राइबर से ज्यादा गेन किया है। जगह सोशल ब्लेड का आप स्क्रीनशॉट अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर कल के दिन जो है छू छू टीवी ने जो है 10.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किया है। अब पता नहीं क्या हुआ था ऐसा कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन हुआ एक ही दिन में। एक दिन पहले उनके चैनल पर जो है 44 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे एंड एक दिन बाद उनके चैनल पर 54 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। पता नहीं भाई क्या सीन है इसका। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुकी है साइमन सेज के बारे में। तो कुछ दिन पहले साइमन सेज जो वीडियो अपलोड किए थे उनके चैनल पर इंडियन मीम अवार्ड्स 2020, तो वीडियो में जो उनको किसी ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। जी हां गाइस, इसी के रिगार्डिंग वो अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट किए थे, जैसे कि आप देख सकते हो, गॉट ए फेक कॉपीराइट स्ट्राइक, this system is so broken, I have disputed, video should be back up soon. अब जिसने वो copyright strike मारा उसका नाम है हरमन कोहली। जी हाँ guys, अगर आप साइमन सेज के वीडियो के लिंक को क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, this video is no longer available due to copyright claim by हरमन कोहली। जैसे कि साइमन सेज बताया ये जो है fake copyright strike था, उनका वीडियो जो है जल्दी वापस आ जाएगा उनके चैनल पर। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं टेक्निकल सागर के बारे में। तो टेक्निकल सागर कल अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए थे बाय द टाइटल फ्री फायर बेकार है। तो इस वीडियो में जो है वो फ्री फायर के बारे में बात किए थे कि फ्री फायर को जो है ज्यादा लोग क्यों पसंद नहीं करते एंड उसका जो है वो कुछ कमियों के बारे में बात किए थे, वो कंपेयर किए थे फ्री फायर को पबजी के साथ भी। लेकिन इस वीडियो में जो उनको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो लाइक्स एंड डिसलाइक्स रेशियो ऑलमोस्ट 30,000 डिसलाइक्स हो चुके हैं इस वीडियो में। और यहाँ पर नूब गेमर बीबीएफ ने जो है टेक्निकल सागर को रिप्लाई करते हुए एक वीडियो भी बना दिया उनके चैनल पर, मतलब वो काइंड ऑफ रोस्ट वीडियो है। मैं उनके वीडियो का छोटा सा क्लिप आपको दिखा देता हूँ। पहला कि उसके जो ग्राफिक्स हैं वो इतने रियलिस्टिक नहीं है, जो गेम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है लेकिन जो उसके ग्राफिक्स हैं वो इतने रियलिस्टिक लोगों को नहीं रखते। जो गेम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है बट गेम का जो ग्राफिक्स है वो रियलिस्टिक नहीं है। मेरे भाई 500 MB का ये गेम है, समझ रहे हो, 2 GB का नहीं है। और अगर यहाँ पर तुम 500, 600, 700 MB के अंदर जितने गेम्स है उसमें तुम GTA वाली एकदम ग्राफिक्स ढूंढते हो तो इसमें गलती किसकी है, तुम्हारी है मेरे भाई। और ये जो गेम है ना स्पेशल उनके लिए बनाया गया है जिनके पास मिड रेंज जो फोन है वो लोग भी आराम से खेल पाए, क्योंकि यार सब लोग तो तुम्हारे जैसे पेड रिव्यू और स्पॉन्सर कर करके यार पैसे कमा के फोन नहीं ले सकते, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो कैरेक्टर मूवमेंट है वो भी अच्छा नहीं लगता, गोलियों की आवाज और एम करने का जो भी है वो लोगों को पसंद नहीं आता। भाई यहाँ पर एक बात मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये लोगों की बात नहीं कर रहा, ये अपनी बात कर रहा है भाई। तू भी ऑनेस्ट होती यार, बोलता क्यों नहीं यार, लोगो 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 बोल बोल के अपने आप को साइट कर रहा है तू। सो यस, अगर आप लोगों को टेक्निकल सागर का एंड नूब गेमर बीबीएफ का वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं श्री ब्रार के बारे में। तो ये एक बहुत पॉपुलर पंजाबी सिंगर है एंड ऑल्सो इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो रिसेंटली जो इनको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, तो हुआ है कि इनका जो है रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज हुआ है बाय द टाइटल जान। सो अकॉर्डिंग टू पुलिस श्री ब्रार का सॉन्ग जो है वो वायलेंस एंड एंटी सोशल एक्ट्स को प्रमोट कर रहा था। जी एंड यूथ को एनकरेज कर रहा था क्राइम्स एंड एंटी सोशल एक्ट्स करने के लिए। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल से जानना है तो एक आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो पढ़िए, आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात कीजिए भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम, जैसे कि आपको पता होगा, बहुत टाइम से जो है ढिंडोरा का शूट कर रहे थे, तो लगता है ढिंडोरा का शूट अभी खत्म हो चुका है। जी हाँ गाइस, भुवन बाम रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किए थे जिसके कैप्शन में वो लिखे, आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ प्लानिंग, 2 ईयर्स ऑफ राइटिंग एंड 41 डेज ऑफ नॉन स्टॉप शूटिंग, आई गेट टू स्पेंड टाइम इन वाटर विद बर्ड्स, गिटार एंड जलजीरा, हैशटैग वैकेशन। तो इसे हम यही समझ सकते हैं कि उनका जो ढिंडोरा का शूट अभी खत्म हो चुका है एंड वो जो है अभी वैकेशन में है। और जो उसी पोस्ट के नीचे किसी ने कमेंट किया था, भाई यूट्यूब छोड़ के बॉलीवुड का फ्यूचर प्लान्स तो नहीं है ना, 3 महीनों से वीडियो नहीं आई। तो उसका भुवन बाम रिप्लाई दिए, वो लिखे, जो भी काम चल रहा है सब यूट्यूब के लिए ही है। सो यस, जो ढिंडोरा का शूट कर रहे थे वो कहीं और किसी नेटफ्लिक्स वगैरह पे नहीं आएगा, वो उनके ही यूट्यूब चैनल पर आएगा। अब सुनने में आ रहा है कि वो जो एक वेब सीरीज टाइप का, इसके रिगार्डिंग और अपडेट्स अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा अपने वीडियोस के थ्रू। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कीजिए लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी कल अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट किए जहां पर वो लिखे, आप लोगों ने आजकल इंटरनेट पर लीगल नोटिस भेज दूंगा, लीगल एक्शन ले लूंगा जैसे शब्द काफी दूध पीते बच्चों से सुने होंगे। कल बताते हैं लीगल नोटिस होता क्या है, इसका सोशल मीडिया पर कितना वैल्यू है और कोई भी अंटू झांटू मुंह उठा के कैसे किसी के भी ऊपर लीगल नोटिस नहीं भेज सकता, स्पेशली ओवर सोशल मीडिया कॉन्टेंट। मैंने अपने सोशल मीडिया लाइफ में एक से एक बेवकूफ गधे देखे है, लेकिन ऐसा मन बुद्धि अकल से पैदल धीट गवार और अनपढ़ इंसान नहीं देखा। खैर, जिसने अपने चैनल आर्ट में देसी हूँ गवार नहीं लिखा हुआ हो उससे कितनी समझदारी की उम्मीद रख सकते हैं आप। कल वीडियो के साथ
मिलते एक गवार को आखिरी बार समझाने की नाकाम कोशिश है, तब भी ना समझा तो उसके फ्यूचर किड्स के लिए बहुत बड़ा वाला खेद है। दिमाग भी उसकी तरह बाद में पेड़ नहीं दलवा सकते ना। तो यहाँ पर लक्ष्य चौधरी किसके बारे में बात कर रहे हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर रचित रोजा के बारे में, क्योंकि उनके चैनल आर्ट में लिखा हुआ है देसी हूँ गवार नहीं। एंड आप सबको पता है इन दोनों के बीच जो है कॉन्ट्रोवर्सी चल ही रहा है। रिसेंटली रचित रोजा ने जो है लक्ष्य चौधरी को रिप्लाई करते हुए कुछ स्टोरीज पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पर, जो कि मैं आपको कल के वीडियो में दिखा चुका हूँ। एंड यस, जैसे कि यहाँ पर लक्ष्य चौधरी बताइए उनका फाइनल वीडियो होगा रचित रोजा के ऊपर, वो जो है समझाएंगे अभी। एंड वो वीडियो जो है आज उनके चैनल पर आ जाएगा। सो लेट्स सी लक्ष्य चौधरी के आने वाले वीडियो में वो रचित रोजा के बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, टेक्नो ब्लेड के बारे में। तो ये चैनल जो है एक फॉरेन का चैनल है, तो ये जो है कल अपने चैनल पर माइनक्राफ्ट का लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो इनका जो वाचिंग कल ऑलमोस्ट 8 लाख चला गया था। जी हाँ, 8 लाख तक ऑलमोस्ट उनका लाइव वाचिंग चला गया था। एंड उसका स्क्रीनशॉट अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, मतलब ऑलमोस्ट 8 लाख लोग देख रहे थे एक साथ। तो यार दिस इज अ ह्यूज थिंग फॉर इंडिविजुअल क्रिएटर, सो यस, माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू टेक्नोब्लेड। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, नेहा कक्कर के बारे में। तो नेहा कक्कर जो है रिसेंटली 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस की थी उनके चैनल पर, एंड उनको जो है अभी उनका डायमंड प्ले बटन मिल चुका है। जी हाँ गाइस, इसके रिगार्डिंग नेहा कक्कर एक वीडियो भी पोस्ट की उनके चैनल पर, तो अगर आप लोगों उनका वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, ध्रुव राठी के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बिया बाइसेप जो है कल कुछ ट्वीट्स किए थे, जहां पर वो बताए थे कि उनको जो है कल चंडीगढ़ एयरपोर्ट के सिक्योरिटी वालों ने जो है उनका 20,000 रुपीज का सामान को फेंक दिया, मतलब उनका जो कैमरा का बैटरी वगैरह था वो उनसे छीन लिया गया था। तो उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ध्रुव राठी बताया कि उनके साथ भी कुछ टाइम पहले ऐसा ही हुआ था, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट में उनका जो है ड्रोन को छीन लिया गया था। एंड वो बताया कि जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो जो है उनके मूड के हिसाब से बिहेव करते हैं, मतलब वो लोग जो है मूड के हिसाब से बिहेव करते हैं। अगर उनका मूड अच्छा है तो वो लोग जो है अच्छे से चेकिंग करेंगे, अगर नहीं है तो फिर वो लोग जो है इसी तरीके से कुछ ना कुछ रीजंस बता के वो लोग जो है कुछ चीजें छीन लेंगे। और यहाँ पर ध्रुव राठी एक और ट्वीट किया, जहां पर वो दिखाए कि किसी ने जो है उनका फोटो को यूज करके फोटोशॉप से एक फोटो एडिट किया, जिसमें लिखा हुआ है कि घर बैठे जाने कोरोना वैक्सीन बनाने का देसी फॉर्मूला, मतलब कि कुछ ऐसा दिखाया उस फोटो के थ्रू कि ध्रुव राठी ने जो है वैसा टाइप का कोई वीडियो बनाया है। यहाँ पर ध्रुव राठी फनी वे में बोले कि ये जो है कोई राइट विंग वालों का काम है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, स्काउट के बारे में। तो यहाँ पर स्काउट जो है आज अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाले, जहां पर वो बताया कि वो जो है अभी सोशल मीडिया से ब्रेक लेने वाले हैं, जहां वो कुछ दिनों के लिए अभी ब्रेक ले रहे हैं। ऑल्सो वो बताया कि उनके चैनल पर जो है वीडियोस वगैरह अपलोड होते रहेंगे, शायद हाइलाइट्स वगैरह अपलोड होंगे, एंड वो जो स्काउट अपलोड नहीं करेंगे उनका एडिटर करेगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, व्हाट्सएप के एक न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर व्हाट्सएप ने जो एक न्यू अपडेट लाया यहाँ पर टर्म्स एंड पॉलिसी को लेकर, जहां पर यह बताया गया कि व्हाट्सएप यूजर्स के जितने भी डेटा है, पर्सनल डेटा, वो सारा जो है फेसबुक को भी दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप जो है फेसबुक यूज नहीं करते, व्हाट्सएप यूज करते हो, तब भी आपके डेटा जो है वो फेसबुक तक चला जाएगा। बहुत सारे डेटा जैसे आईपी एड्रेस, अकाउंट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, लोकेशन इन्फॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन डेटा एंड और भी बहुत कुछ। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर टेक्नोरू हैज रिएक्ट किए, वो एक ट्वीट किए, जहां पर वो लिखे एक्सेप्ट करो और मरो, कोई रास्ता नहीं है, फेसबुक अब सब कुछ लेगा। जैसे टिकटॉक चाइनीज था, डेटा लेता था, फेसबुक भी कुछ कम नहीं है, ये जबरदस्ती है। सो अभी आप लोग क्या सोचते हो व्हाट्सएप के न्यू टर्म्स एंड पॉलिसी को लेकर, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए बस इतना ही न्यूज़ था, अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।